दोस्तों आज हम अदानी विमा लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, साथ में अदानी पावर को डिस्कस करेंगे और पूरे अदानी ग्रुप को डिस्कस करेंगे। जैसे कि लगातार स्टॉक की प्राइस गिर रही है, उसके पीछे वजह है लगातार आ रही बैड न्यूज, और इसके बीच में अदानी ग्रुप की तरफ से यहाँ पे रेटिंग को डिस्कस किया गया है कि किस तरह से अभी भी उनकी कंपनियों के ऊपर रेटिंग बरकरार है। लगातार ये कहा जा रहा है कि रेटिंग सारी गिर गई है, ऐसे में जो जो रेटिंग है उन रेटिंग को यहाँ पे डिस्कस किया गया है हर कंपनी के ऊपर किस तरह से, क्रिसिल, इसके अलावा ICRA और फिच की तरफ से जो रेटिंग दी गई है उन रेटिंग को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जिससे लोगों को भरोसा हो कि अभी भी रेटिंग हमारी बरकरार है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप की तरफ से एक बड़ा बयान भी दिया गया है और इसके बीच में कुछ यहाँ पे डिसीजन भी लिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी गिरावट थम नहीं रही है। आगे क्या संभावना बनेगी अदानी ग्रुप को लेकर जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दो तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार लोगों को लॉस भी हो रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, क्या आने वाले समय फिर से एक बड़े बाउंस बैक की संभावना है या फिर और भारी गिरावट होगी, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अदानी विमा लिमिटेड ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दिया, काफ़ी दिन के बाद फिर से राहत देखने को मिली है। स्टॉक 398 पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा 1.37% की तेजी के साथ में। भले ही तेजी कम हो लेकिन गिरावट थमी है, यानी अदानी विमा लिमिटेड थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रहा है। पिछली बार भी जब रिजल्ट आया उसके बाद में इसमें एक दो अपर सर्किट भी लगे तो स्टॉक इस समय ठीक लग रहा है, लेकिन अदानी पावर में भारी गिरावट हो रही है। अदानी पावर की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को लॉस हो चुका है, लगातार लोअर सर्किट लग रहे, आप देख ही सकते हो कि अदानी पावर में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस समय देख सकते हो स्टॉक 140 पर आ चुका है, 5% का लोअर सर्किट लगा, और आप देख सकते हो कि जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उस समय इसकी प्राइस 275 के आसपास थी, उस समय उस लेवल से देखे तो स्टॉक आधी कीमत पे आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हुआ है। और वैसे इसकी हाई प्राइस से तो स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त गिर चुका है क्योंकि वो 400 के ऊपर था। तो अदानी पावर में ज़बरदस्त लोगों को लॉस हुआ और इस बार रिजल्ट में भी थोड़ी सी कमी रह गई, इस वजह से गिरावट का सिलसिला अभी भी जारी है। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से रेटिंग को यहाँ पे डिस्कस किया गया, जैसे कि आप देख सकते हो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो रेटिंग देखे तो यहाँ पे आप देख सकते हो BBB रेटिंग दी हुई है S&P की तरफ से और फिच रेटिंग की तरफ से। इसके अलावा BA की रेटिंग है मूडीज की तरफ से, और यहाँ पे अगर आप देखें तो अदानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड की जो रेटिंग देखे तो वो भी S&P और फिच की तरफ से BBB की रेटिंग है, और यहाँ पे मूडीज की तरफ से Baa3 की रेटिंग दी गई है। अब यहाँ पे अगर हम अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो ATAPL USPP की रेटिंग देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी BBB की रेटिंग है फिच की तरफ से, और Baa3 की मूडीज की तरफ से रेटिंग दी गई है। इसके अलावा अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई की बात करें तो इसको BBB की रेटिंग मिली है S&P और फिच की तरफ से, और Baa3 की रेटिंग मूडीज की तरफ से दी गई है। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन Step 1 लिमिटेड की बात करें तो BBB रेटिंग फिच की तरफ से है और Baa3 की रेटिंग यहाँ पर मूडीज ने दी है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इसकी जो रेटिंग है ये आप देख सकते हो AGL लिस्ट कंपनी की Ba3 है मूडीज की तरफ से, और AGL RG2 की रेटिंग है BBB फिच की तरफ से, और Ba1 मूडीज की तरफ से, और BB S&P की तरफ से रेटिंग दी गई है, BBB+ है। इसके अलावा AGL RG1 की बात करें तो इसकी BBB+ की रेटिंग फिच ने दी है, और Ba2 की रेटिंग मूडीज की तरफ से, और BB- की रेटिंग S&P की तरफ से है। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग की बात करें तो इसकी BBB+ की रेटिंग फिच की तरफ से दी गई है। अब यहाँ पे अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट की बात करें, क्रिशिल ने यहाँ पे AAA स्टेबल की रेटिंग दी गई है। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो इंडिया रेटिंग की तरफ से यहाँ पे देख सकते हो, और ICRA की तरफ से AA+ स्टेबल की रेटिंग दी गई है। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की बात करें तो इंडिया रेटिंग ने यहाँ पे इसको AA+ स्टेबल की रेटिंग दी है। इसके अलावा अदानी टोटल गैस लिमिटेड की बात करें तो ICRA की तरफ से AA- स्टेबल की रेटिंग मिली है, और अदानी विमा लिमिटेड की बात करें तो केयर ने यहाँ पे रेटिंग दी है AA- स्टेबल की। अदानी इंटरप्राइज लिमिटेड की बात करें तो केयर और इंडिया रेटिंग की तरफ से A+ स्टेबल की रेटिंग दी गई है, और अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो इंडिया रेटिंग की तरफ से A+ स्टेबल की रेटिंग दी गई है, और यहाँ पे अदानी पावर लिमिटेड की बात करें तो क्रिशिल और इंडिया रेटिंग ने यहाँ पे A स्टेबल और A+ की रेटिंग दी। तो ये रेटिंग अभी फिलहाल मिली हुई है, आप देख सकते हो कि सबकी रेटिंग फिलहाल अच्छी है, और ये यहाँ पे अनाउंस किया गया कि अभी हमारी जो रेटिंग है वो बरकरार है। तो जिस तरह से भ्रम फैलाया जाता है कि सभी रेटिंग है जो उसने अपनी रेटिंग को हटा दिया, ये बात यहाँ पे गलत साबित होती है, अभी फिलहाल रेटिंग बनी हुई है।
इसके बीच में देखें तो अदानी ग्रुप की तरफ से कल बड़ा नया बयान दिया गया है। उनका कहना है कि शेयरों में जो मौजूदा उतार चढ़ाव है वो अस्थायी है और मजबूत गवर्नेंस के दम पर हम सफल हुए हैं। हमारा बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय में हम और शानदार करते हुए दिखाई देंगे। ये कुछ समय के लिए है जो इस समय वातावरण खराब हुआ है, और हमारी जो कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस ने पिछली बार की मुकाबले इस बार काफ़ी शानदार प्रॉफिट कमाया है। आप देख सकते हो पिछली बार कंपनी को 11.63 करोड़ रुपीज़ का लॉस था, लेकिन इस बार 820 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। तो इस रिजल्ट के बाद अदानी एंटरप्राइजेस को लेकर अदानी ग्रुप काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और उनका कहना है कि अदानी ग्रुप इस मौजूदा स्थिति से निकल जाएगा और आने वाले समय में एक मजबूती के साथ कंपनी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो एक तरह से बिल्कुल पटरी पर चल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ एक थोड़े समय के लिए है जो एक माहौल बना हुआ है निगेटिव। उन्होंने ये भी कहा कि जो लंबी अवधि के इन्वेस्टर है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म निवेश किया, उनको बहुत ही अच्छा रिटर्न बिल्कुल मिलेगा हमारी कंपनियों में। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, अदानी ग्रीन अपने कुछ एसेट बेच के अपने डेट को क्लियर कर सकते हैं, यानी काफ़ी जो बड़ा डेट है और इसके लिए ऐसे कुछ एसेट को आइडेंटिफाई किया जिसको बेच के वहाँ से कुछ अमाउंट कम की जा सकती है। अदानी ग्रीन की बात को यहाँ पे 47,300 करोड़ की टोटल इनकी डेट है और यहाँ पे देख सकते हो कि इस डेट को थोड़ा कम किया जा सकता है और इसके लिए कुछ एसेट यहाँ पे बेची जा सकते हैं और उसकी वजह से ये जो रकम है उसको कम किया जा सकता है। यानी लगातार अपने बिजनेस को किस तरह से पटरी पे लाने है उसकी कोशिश की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरह से लगातार प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसके बाद में अदानी ग्रुप की तरफ से कल जो बड़ा बयान दिया गया है कि नो मटेरियल रिफाइनेंसिंग रिस्क, यानी आने वाले समय में हमें रिफाइनेंसिंग करने का कोई रिस्क नहीं है और नियर टर्म में लिक्विडिटी इशू भी कोई नहीं हमारा, यानी हमारे पास फिलहाल कैश फ्लो की भी कमी नहीं है और आने वाले समय में जो भी हमें डेट क्लियर करना है, लोन का है, जो किस्त अदा करनी है, वो सारी की सारी हम कर पाएंगे। अभी उसमें समय है, किसी प्रकार की फिलहाल हमारे पास कोई लिक्विडिटी इशू नहीं है। यानी एक तरह से उन्होंने कहा है कि फिलहाल हमें पैसों की कोई तंगी नहीं है और हमारा बिजनेस है बिल्कुल पटरी पे है, सिर्फ ये एक माहौल बनाया गया है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि अदानी ग्रुप को तो प्रॉब्लम हुई है, उसके साथ में अगर देखें तो अदानी के जो पार्टनर है टोटल एनर्जीज जो फ्रांस की कंपनी है, उसको भी 1.55 लाख करोड़ रुपीज़ का लॉस हो गया है, क्योंकि वो भी एक बिजनेस पार्टनर है अदानी ग्रुप के। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल एनर्जी को भी बड़ा लॉस हुआ है, साथ में उन्होंने जो इनके ग्रीन एनर्जी में निवेश की जो यहाँ पे प्रक्रिया शुरू की थी उसको भी एक बार होल्ड पे रख दिया है, जिसमें 25% की हिस्सेदारी टोटल ग्रीन एनर्जी की थी अदानी ग्रुप के साथ में। अभी फिलहाल उनकी तरफ से कहा गया कि हमें अभी भी भरोसा है कंपनी पे और हमारी फिलहाल यहाँ से हिस्सेदारी कम करने का कोई इरादा नहीं, यानी कुल मिला के अभी भी वो बने हुए अदानी ग्रुप के साथ में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के जितने शेयर हैं उनमें लगभग काफ़ी ज़्यादा में लोअर सर्किल लगे, आज भी देखे तो अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल गैस और अदानी पावर, जिनमें लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं और ये काफ़ी वीक साबित हो रहे हैं पिछले कई समय से। तो अभी ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जहां पे आप देखेंगे तो तीसरी पीआईएल लगेगी, 17 फरवरी को सुनवाई होगी। कांग्रेस लीडर की तरफ से ये पीआईएल लगाई गई, तो मध्य प्रदेश की जया ठाकुर जो कांग्रेस की यहां पे लीडर है और उनकी तरफ से यहां पे पीआईएल लगाई गई, तो 17 तारीख को ये जो उसकी सुनवाई होगी। इससे पहले दो और पीआईएल लग चुकी है, आने वाले समय में क्या फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का ये देखना होगा। और यहां पे यूएस में भी कमर कस ली गई है, वहां पे भी देख सकते हो कि एक बड़ी लीगल फर्म को तैयार किया गया वॉच टेल को, जो हिंडनबर्ग के खिलाफ केस लड़ेगी, और दूसरी तरफ अपने खातों की ऑडिट करवाने के लिए उन्होंने ग्रैंड थॉर्नडन अमेरिका की एक बड़ी ऑडिट फर्म को हायर किया है, जो इनके खातों को फिर से ऑडिट करेगी और वहां से क्लीन चिट देने की कोशिश करेगी। वैसे अगर देखें तो मॉरिशस की जो फर्म है उन्होंने वहां पे एक तरह से क्लीन चिट ऑलरेडी दे दी है, उन्होंने जाँच की अकाउंट की जिसमें इनको कोई भी प्रकार का घपला दिखाई नहीं दिया। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप को आने वाले समय में एक और बड़ा झटका भी लग सकता है। MSCI इंडेक्स इसी सप्ताह अपने ESG क्लाइमेट इंडेक्स को फिर से यहाँ पे रिव्यू करने जा रहे हैं, उसमें रिजल्ट उसका डिक्लेयर करेगा कौन उसमें शामिल होगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें अदानी ग्रुप की जो कंपनियाँ हैं वो शामिल है, अदानी ग्रीन एनर्जी को यहाँ पे रेटिंग ए मिली हुई है जो थर्ड हाइएस्ट रेटिंग है। इसके अलावा आप देखें तो अदानी टोटल गैस को भी यहाँ पे ए की रेटिंग मिली है, और ये जो रेटिंग है क्या ये बरकरार रहेगी या फिर इनको इस लिस्ट से रिमूव कर दिया जाता है, अगर ऐसा होता है तो फिर एक भारी गिरावट का फिर से दौर शुरू हो सकता है, तो हमें इसका वेट करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।